मैं सब तरह के लोगों से बात कर रहा हूँ, उसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं। सबसे मुलाकात करने की इच्छा और काफ़ी लोगों से हो चुकी है इन पिछले 4 दिनों में। सबकी इच्छा ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव हो और स्टेटहुड का रिस्टोरेशन हो जाए। और अगर पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में सोचें, उनके रिजल्ट के बारे में सोचें, उससे भी लोगों ने यहाँ दो मैसेज एकदम क्लियरली दी हैं। एक तो कि जनतंत्र में कश्मीर के लोगों का विश्वास है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव में अपनी बात कह सकें। और दूसरा, उनने पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये भी ज़्यादा वोटिंग करके अपनी नाराज़गी भी दिखा दी है कि 370 के अब्रोगेशन में उनको कंसल्ट नहीं किया। जिस तरह से 370 का अब्रोगेशन हुआ, वो नाराज़गी भी उनने दिखा दी है। और इसीलिए चाहते हैं कि जनतंत्र यहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया इज़ ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, इस बात को लोगों ने स्ट्रेंथन किया और कहा है कि साहब आप ये सारी बातें ध्यान रखिए और इलेक्शन कराइए और कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो भी आत्मा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सरकार को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूर, जैसे मैं पहले करता था वैसे ही होंगे। और कश्मीर के ऊपर एक सेमिनार दिल्ली में अब करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो आज के दिन भावनाएं हैं, यहाँ के इम्पोर्टेंट लोग वहाँ जाकर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें और अपनी बात कहें। और फिर यहाँ पर एक सेमिनार चूंकि मैंने अभी अटेंड किया है, तो फिर थोड़े दिनों बाद फिर कश्मीर के ऊपर कश्मीर में मीटिंग करेंगे। ये मेरी इच्छा तो ये थी कि इनको 4 साल पहले होना चाहिए था। अब डिले करने का कोई कारण नहीं है। इमीडिएट इलेक्शन होना चाहिए और स्टेटहुड इमीडिएटली रिस्टोर कर देना चाहिए। इससे सरकार लोगों के बीच में इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास को और स्ट्रेंथन कर पाएगी। नहीं तो लोग इंडियन डेमोक्रेसी में उनका विश्वास कम होगा अगर इलेक्शन जल्दी नहीं होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन जल्दी हो। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब से बात आज सुबह ही हुई है, कल फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से बात होगी, गुलाम हसन मीट से मेरी मुलाकात मंडे को हो रही है, तारिगामी साहब आज शाम को यहाँ पर आ रहे हैं मिलने के लिए। सभी तरह के लोगों से बात हो रही है, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात हो रही है, मीडिया के लोगों से बात हो रही है, एक्टिविस्ट से बात हो रही है, लॉयर से बात हो रही है, डॉक्टर से बात हो रही है, प्रोफेसर से हो रही है। आप इस बात को फिर रिपीट कर देता हूँ, इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, इमीडिएट असेंबली इलेक्शंस विच शुड बी फेयर एंड फ्री, और लोगों के साथ भारत सरकार का बराबर डायलॉग, क्योंकि डायलॉग एसेंस है डेमोक्रेसी की, वो होना चाहिए।